सुबह घड़ा भाई आवे मैकडोनल्ड ट्रंप से पैसे लिए हमारे पास कोई अल्फाज नहीं, हमने तो रिक्शा भी नहीं चलाया, 7 बजे का खड़ा किया होगा पार्किंग में रिक्शा क्या दोस्तों। लास्ट ओवर रिएक्शन आपको मैं लाइव दिखा रही हूँ, अगर ऑडियंस को देखें तो कितनी अफसुर्दा बैठी हुई है ऑडियंस, क्योंकि जीता हुआ मैच पाकिस्तान हार गया है, 4 बॉल पे 17 रन, इम्पॉसिबल। पाकिस्तानी आवाम को देखें बहुत ज्यादा जो है इस वक्त सैड है। लाइव रिएक्शन लास्ट ओवर के आपको नाइला पाकिस्तानी पर देखने को मिल रहे हैं, आवाम खड़े होना शुरू हो गई है, आवाम खड़े होना शुरू हो गया, होपलेस। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? लानत हो पर आज ये लानत है, लानत 120 नहीं कर पाए, क्या हुआ लानत इनके ऊपर, लानत इनके ऊपर, इससे अच्छा मल्ले की टीम जीत जाती है 120 को। साइड ठीक थी, बैटिंग साइड नहीं ठीक है, बैटिंग नहीं ठीक, बाबर के बाद साथ साथ जाते रहे सारे, बाबर बाबर ये बाबर के बाद साथ साथ जाते रहे, क्या होगा, चक्का होगा, चक्का क्या मैच, चक्का होगा। आखिरी बॉल तक उम्मीद है, आखिरी बॉल तक उम्मीद है, अवाम की एंजाइटी देखे सब खड़े हो चुके हैं, सब खड़े हो चुके हैं, जिताएगा इंशाल्लाह नसीम शाह, हार गया हार गया, जिताएगा जिताएगा नसीम शाह, हार गया हार गया, ए हर घर बगा रहे थे, अरे बहन 120 बगा रहे थे, 120 को भी बड़े छक्के लगाएगा नसीम शाह, 2 छक्के, हर घर हर घर, 2 गेंद पे 12 स्कोर, हर घर हर घर, हर छक्का नहीं, रिक्शा नहीं चलाया, सुबह घड़ा भाई आवे out. So pretty dramatic from Nasim Shah, and at the end of it, it's India. ਇਹ ਬਗਾਰਤ ਨੇ ਬਗਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੋਲ 120 ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, 1 ਬਾਲ ਮੇ 8 ਚਾਹੀਏ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿੰਗੇ ਅੱਜ ਕੇ ਮੈਚ ਕੋ ਲੈ ਕੇ, ਲਾਨਤ ਸਭ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਲਾਨਤ ਸਭ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਹੋਰ ਆਵਾਮ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਕੇ ਮੈਚ ਕੋ ਲੈ ਕੇ, ਸੀਨ ਇਨ ਡੂ ਦੈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਸ ਬੋਲ ਮੇ 120 ਸਕੋਰ, ਹੀ ਹਿੱਟ 260 ਆਫ ਲਾਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਨਲ ਓਵਰ, क्या कहना है, इतना अच्छा मैच जा रहा था ये पाकिस्तान की बैटिंग, यही तो पाकिस्तान है, इसी को तो पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर, पाकिस्तान जीत सकता था अगर थोड़ा सा अच्छा खेलता, मजीद अच्छा खेलता, पर इनके थोड़े से बैटमैन ने अच्छा नहीं खेला, जिसकी वजह से उन्होंने विकेट छोड़ी, इसकी वजह से पीछे आ गया, नसीम शाह आया, देख लिया, हार गया हार गया हार गया, 10 आउट करके भी नहीं जीत सके ये लोग, पाकिस्तान बहुत बुरा खेला, इंतहाई बॉलरों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बेस्ट ये बैट्समैन को चाहिए कि यहाँ रेस को आगे खेलें, खुदा के लिए टीम की जान छोड़ दो, इससे बेहतर है कि जो आप चले जाएं रेस कोर्स में, वो बैट्समैन ऐसे खेलते हैं, गली क्रिकेट खिलाओ, ये गली के भी काबिल नहीं है, क्रिकेट टीम पे इनको नकवी को कहते हैं खुदा की जान, पाकिस्तान की जान छोड़ दे, ए मौसम नकवी को कहते हैं पाकिस्तान की, हार गए इंडिया, हार गए ना, लाने दो पाकिस्तान टीम पे, इनको नकवी पे लाना दो, कनाडा से भी हार, कनाडा से भी हारना, इन्होंने इंशाल्लाह नकवी ने तुबाही लगा दी टीम ने, सिलेक्टर को चाहिए, जितने सिलेक्टर हैं जो टीम भेजी है, जिन्होंने टीम भेजी है उनको डूब मरना चाहिए, पाकिस्तान का सिर्फ एक शोभा था जहाँ पे खुशी मिलती थी वो था क्रिकेट, और जब से ये हुकूमत आई है माशाल्लाह इन्होंने इसका बेड़ा गर्क कर दिया, मैच बहुत अच्छा जा रहा था, उम्मीदें बड़ी थी जीत जाएंगे, हमारे पास कोई अल्फाज नहीं, हमने तो रिक्शा भी नहीं चलाया, 7 बजे का खड़ा किया होगा पार्किंग में रिक्शा, क्या इंडिया इंडिया की स्ट्रीट, इन्होंने पैसे खाए, इंडिया की स्ट्रीट, इन्होंने पैसे खाए, मैं आपको कहना इन्होंने पैसे खाए हैं, वर्ल्ड कप की तीसरी, इन्होंने मैकडोनल्ड ट्रंप से पैसे लिए, सर आज के मैच का रिव्यू क्यों, ये पब्लिक को जाने दें, पब्लिक के तो रिव्यू नहीं है, आजो आजो आजो, सिर्फ एग्जिट एग्जिट एग्जिट, एग्जिट एग्जिट एग्जिट, क्या कहेंगे आज के मैच को लेकर,
बात कोई नहीं कर रहा, बात कोई नहीं कर रहा, क्या कहोगे आज का मैच लड़ाई हो गई है। इन्होंने मैकडोनाल्ड ट्रंप से 500 रुपया लिया, 500 डॉलर लिया। मैच तो बहुत, एक मिनट बात करने दो, ऐसे शोर से क्या होगा, हार तो गए सर, आप क्या कहेंगे? वैसे तो मैच जीतना चाहिए था क्योंकि ये आप मैच जीता हुआ हारे हैं, ठीक है, लेकिन एट द एंड मैं यही कहूंगा कि सिर्फ बाबर आजम को ब्लेम मत कीजिएगा, पूरी टीम खेल लिया, 11 लड़के खेले हैं, उन 10 को छोड़ के सिर्फ एक को मत पकड़िएगा, उन सब का भी उतना ही हिस्सा है जितनी बाबर की गलती थी, ठीक है, मानते हैं हम नहीं वैसा एग्जीक्यूट कर सके जैसा करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ बाबर आजम को मत पकड़िएगा, ये जो भी बैठे हुए हैं चैनलों पर पूरी टीम को दबोचिएगा। हाँ, ये इफ्तिखार चाचू को चाहिए था कि फिनिश करता, अगर स्कोर कुछ भी नहीं था, 43 बालों पे 40 चाहिए था, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये मेरा ख्याल अंडर प्रेशर आ गए और ज्यादा बॉल्स डोट। आप क्या कहेंगे, आज का मैच 8वें-9वें ओवर तक तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा था कि पाकिस्तान का वुमन टीम इसको भेज देते ना अमेरिका, तो वो जीत जाता, लेकिन ये नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ वर्ल्ड कप से बाहर नहीं पाकिस्तान टीम, बल्कि उसको दुनिया से बाहर होना चाहिए, इस टीम को कोई हक नहीं है क्रिकेट खेलने का। नहीं तो पार्क में अलाउड मीडिया बानी है, टाइम खत्म हो गया है पार्क का। हाँ जी, आप जाए प्लीज बाहर ले जाएं, ये तो मैसेज ऐप हो गया। तो पाकिस्तान की बॉलिंग की वजह से हम मैच जीत सकते थे, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा से ही नाकाम रहे हैं ये लोग, और ये लास्ट कोई 25 साल से इनके हालात ऐसे ही क्रिकेट बैटिंग में है। प्लीज़ हम चाहते हैं कि बाबर आजम को टीम से बाहर निकाल दिया जाए और इफ्तिखार को भी टीम से बाहर निकाल दिया जाए। यंगस्टर खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए, लेकिन उनको 50 मैच पहले जरूर। मुद्दा बाबर पे क्यों डाले, पूरी की पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल है। नहीं नहीं नहीं, बाबर आजम की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि कप्तान की हैसियत से चल रहे होते हैं, लेकिन बॉलिंग में हमेशा पाकिस्तान एवरेज रहा है। इंडिया का जो प्रॉमिस था कि पाकिस्तान को हराएंगे इस आज के मैच में, तो उनका जो वादा था वो पूरा हो गया, लेकिन हमारी उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा पैदा कर दी थी बॉलिंग वालों ने, लेकिन बैटिंग में हमेशा वो एज यूजल जो चल रहा है पिछले 25 साल से, आज भी वही इनके हालात हैं। प्लीज़ हम बाबर आजम को टीम से आउट कर दिया जाए, बाबर आजम को आउट कर दिया। तो यही कहूँगा, ये लोग डर के खेलते हैं, जब तक इसमें डर खत्म नहीं होगा तब तक ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनको चाहिए था आज सेम अयूब को खिलाना चाहिए, सेम अयूब को क्यों नहीं खिलाया, इमाद खान, इमाद वसीम, ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये वैसे इफ्तिखार चाचू को इतना लेट क्यों कर दिया, इसको पहले खिलाना चाहिए था। हाँ। क्योंकि इमाद की जगह इफ्तिखार होता तो कुछ कर लेता। इन्होंने खुद ही अपने हाथों से मैच खुद ही, जो प्रेडिक्शन थी 90% इंडिया विन करेगा, तो प्रेडिक्शन सच हो गई, बिल्कुल हो गई। ये तो इजी मैच था। अफगानिस्तान आजकल आया है, वो किस तरह दिलेरी से खेल रहा है, उनकी टीम को देखो, इनको देखो, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये खत्म है, फारिग टीम है इनको। आज तो माशाल्लाह बॉलिंग इतनी अच्छी हो गई पाकिस्तान की, लेकिन बैटिंग कुछ नहीं कर सकी, बैटिंग नहीं इनके पास। 2026 में पाकिस्तान को जो है कंपटीशन में आने के लिए मैचेस खेलने पड़ेंगे, क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये मियार आ गया टीम का। बिल्कुल लाजमी खेलना चाहिए इसको, क्वालिफाई तो लाजमी ये लोग करेंगे। उस दिन किस तरह इजी मैच था, वो भी ये लोग हार गए, हमने कोई कहा कुछ भी नहीं हो, खैर एक मैच आधा हार जाते लोग, लेकिन आज भी वही परफॉर्मेंस, वही काम, तो कोई बेहतरी नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आई।